भारत एक बार फिर इतिहास रचने वाला है। भारत ने यह अनाउंस कर दिया है कि भारत साल 2020 में ही चांद पर चंद्रयान 3 मिशन को भेज देगा। इसरो चीफ के सिवन ने अभी हाल ही में यह अनाउंस किया है कि सरकार ने देश के महत्वाकांक्षी मून मिशन को मंजूरी दे दी है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इसरो एक बार फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतिहास लिखने की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। सरकार की तरफ से चंद्रयान 3 की मंजूरी मिलते ही इसरो इस मिशन पर पूरे टीम के साथ जुट चुकी है। के सिवन ने यह भी कहा कि हम साल 2020 में 25 से ज्यादा अंतरिक्ष मिशन को पूरा करने की योजना बना चुके हैं। एक तरफ टीम इसरो चंद्रयान 3 में तेजी के साथ, वैज्ञानिक गगनयान मिशन पर भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। हम आपको बता दें कि गगनयान मिशन के अंतर्गत भारत इंसान को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला है। अगर इसरो इंसान को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचा पाता है तो यह पल भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में सुनहरे पन्नों पर लिखा जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत ने साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था। भले ही उसमें भारत पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था, मगर मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 में भारत पूरी तरह फेल भी नहीं हुआ था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो अब भी चांद को ऑर्बिट कर रहा है, और बल्कि यह ऑर्बिटर सिर्फ अभी ही चांद को ऑर्बिट नहीं कर रहा बल्कि यह अगले और 7 सालों तक चांद को ऑर्बिट कर यानी घूम कर इसरो को आंकड़े भेजता रहेगा। क्योंकि इसरो का यानी भारत का ऑर्बिटर पहले से ही चांद की परिक्रमा कर रहा है, इसलिए इसरो इस बार चंद्रयान 3 मून मिशन में सिर्फ लैंडर और रोवर को ही चंद्रयान 3 के साथ लॉन्च करेगा, जिस कारण इसरो बहुत ही कम खर्च में चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचा देगा। पूरी दुनिया जानती है कि इसरो कम खर्च में बड़े बड़े अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दे चुकी है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो मंगल मिशन को इसरो ने इतने कम खर्च में पूरा करके दुनिया को चौंका दिया था। यानी अमेरिकन जितने खर्च में एक मूवी बनाते हैं, उससे कम खर्च में इसरो मंगल यान को मंगल ग्रह तक पहुंचा देता है। लेकिन चंद्रयान 3 के लिए इसरो ने अब जो तरकीब निकाला है, उससे चंद्रयान 3 मिशन में बहुत ही कम खर्च आने वाला है। इसरो के चीफ के सिवन ने यह बताया कि हम चंद्रयान 3 मिशन में ऑर्बिटर को नहीं भेजेंगे। भारत का ऑर्बिटर पहले से ही चांद की परिक्रमा कर रहा है, जो कि चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया था। अब जब इसरो चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर को नहीं भेजेगा, इसका मतलब इसरो अगर ऑर्बिटर को नहीं भेजेगा तो चंद्रयान 3 का वजन कम होगा। वजन कम होने के कारण चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर चंद्रयान 3 कम ऊर्जा खपत करेगी तो इसका साफ मतलब है कि इसरो एक बार फिर कम खर्च में ही चांद तक पहुंचने की तैयारियों में जुट चुका है। लेकिन सवाल है कि आखिर चंद्रयान 3 में कितना खर्च आ सकता है। अगर हम चंद्रयान 2 के खर्च की बात करें तो चंद्रयान 2 के पूरे मिशन में 141 मिलियन यूएस डॉलर यानी 603 करोड़ रुपयों का खर्च आया था, जबकि चंद्रयान 2 के सिर्फ लॉन्चिंग और लॉन्चिंग के बाद का खर्च 375 करोड़ रुपयों का आया था। इसरो का दावा है कि चंद्रयान 3 को महज 250 करोड़ रुपयों में चांद तक भेज दिया जाएगा। इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर चांद पर सिर्फ इसलिए नहीं लैंड कर पाया था क्योंकि उसकी गति काफी अधिक थी, जिस कारण लैंडर उतरने की गति को कंट्रोल नहीं कर सका। अगर कहा जाता है ना कि अगर हमसे कोई गलती हो तो वह कई सबक अपने साथ लेकर आता है, चंद्रयान 2 में हुए गलतियों से सबक लेते हुए टीम इसरो अभी चंद्रयान 3 में ठीक उसी तकनीक को सुधारने में लगी हुई है जिसमें इसरो को चंद्रयान 2 के समय कठिनाई हुई थी। हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ही लैंडर और रोवर के साथ एक पर पर्सन मॉड्यूल होगा। इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा क्योंकि हमारा ऑर्बिटर पहले से ही चांद की परिक्रमा कर रहा है। चंद्रयान 3 में उसी की मदद ली जाएगी। दोस्तों, हम सभी भारतवासियों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि भारत इसी साल यानी साल 2020 में ही चंद्रयान 3 को लॉन्च कर देगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि इसरो इसी साल चंद्रयान 3 को लॉन्च कर देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 इसी साल चांद की सतह पर लैंड भी होगा। दोस्तों, एक बार फिर इसरो रिकॉर्ड टाइम में मून मिशन करने जा रहा है। इतने कम समय में आज तक कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी ने एक साल के भीतर दूसरे मून मिशन को अंजाम नहीं दिया है। इसके साथ इसरो एक बार फिर चांद पर उस जगह लैंड करने की कोशिश करेगा जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसरो एक बार फिर इतिहास रचने वाला है और भारत अमेरिका रूस चीन के बाद चौथा देश होगा जो चांद की सतह पर अपने रोवर को उतारेगा। तो दोस्तों, इसरो और चंद्रयान 3 के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का
बटन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।